सबकॉन्शियस माइंड मतलब अंतर मन को कैसे बदले, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मूवी पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आपको सबको बताया कि हमको माइंड है और उसके दो भाग है, एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% है, 10% 10%, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड 90% है। 90% जब सबकॉन्शियस माइंड है मतलब उसके बाद में भयंकर ताकत है, भयंकर एनर्जी है। कॉन्शियस माइंड जो है 10% है, उसके पास में कम एनर्जी है मगर उसके पास में दिमाग है, इंटेलिजेंस है। और कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से कंट्रोल करता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में क्या डालना है वो कॉन्शियस माइंड ठहराता है। मगर एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गया फिर कॉन्शियस माइंड का कोई रोल रहता नहीं है। कॉन्शियस माइंड का रोल तब तक ही है अंदर कितना जाने देना और अंदर क्या जाने देना। एक बार अंदर गया बाद में कॉन्शियस माइंड का रोल खत्म हो गया, फिर रोल शुरू होता है सबकॉन्शियस माइंड का। फॉर एग्जाम्पल, आपने रात को सोने के समय अलार्म लगा दिया और मैं 6 बजे उठूंगा करके अलार्म लगा दिया 6 बजे का, और 6 बजे उठ के मुझे एक्सरसाइज करना है, ऐसे आपने मन से ठहरा लिया, वो ठहरा लिया कॉन्शियस माइंड ने, वो गया नहीं है सबकॉन्शियस माइंड तक, तो होगा क्या? सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही पुराना है, कॉन्शियस माइंड में ठहरा लिया नया कि कल से नया चालू करना है, 6 बजे उठना है और हमको एक्सरसाइज करना है। सबकॉन्शियस माइंड तो पुराना है वैसे ही है, उसके अंदर वो डाला ही नहीं उसने कॉन्शियस माइंड ने। कॉन्शियस माइंड ने सुना अपने दोस्त का, सब लोग बोल रहे चलो कल से पहले से हम 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो कॉन्शियस माइंड हाँ हाँ जाएंगे जाएंगे घूमने जाएंगे, मगर उसने वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाया नहीं। होता क्या है, सुबह 6 बजे जब अलार्म लगता है तो 6 बजे अलार्म के बाद में जब हम उठते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कॉन्शियस माइंड को कि बेटा आज के दिन रहने दे, वैसे भी रात को बहुत लेट से सोया हुआ है, थक गया है, दिन भर काम है, ऐसा करेंगे अपन कल से जाएंगे, आज रहन दो, कल से पक्का जाएंगे बिल्कुल, ऐसा सबकॉन्शियस माइंड बोल देता है। और फिर वो उठेगा नहीं, 6 बजे का अलार्म 7 का करेगा, 7 का 8 करेगा और 9 बजे उठेगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में गए नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो देखो, दूसरे सिनेरियो में आपको सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ना है, रिजर्वेशन है आपका और बहुत दूर जाने का है, मालूम है आपको कि ट्रेन चुक गई तो बहुत बड़ा नुकसान है, तो जाना ही पड़ेगा। 5 बजे का ट्रेन है, 4 बजे आपने अलार्म लगाया है मगर वो कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रखा हुआ है कि सुबह उठना ही पड़ता कोई भी हालत में, तो 4 बजे का अलार्म बजने के पहले ही आपको जाग आ जाएंगी, पहले ही आप उठ जाएंगे और आप तैयारी करके बराबर स्टेशन पे चले जाएंगे। ये आपको सबको अनुभव होगा। इसका मतलब यह है कि कॉन्शियस माइंड ने कुछ भी ठहरा के होता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंचना चाहिए, और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है तो उसके लिए फिर कॉन्शियस माइंड का जो है वो फिल्टर लगा के अंदर डालता है, तो कॉन्शियस माइंड को वो पटना चाहिए। कॉन्शियस माइंड को समझ में आ गया, पट गया तो भी डालेंगे, तो भी उसके कौन से मेथड हम देखेंगे। पहली मेथड है लॉजिकल मेथड। तो लॉजिकल मेथड मतलब लॉजिक से काम करेगा कॉन्शियस माइंड और वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल देंगे अंदर, लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, और कॉन्शियस माइंड को वो पट गया तो वो अंदर डाल देगा, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में गया तो वो काम करे। तो जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मैंने बताया कि आप शर्ट निकालो और उसको फेंको, नेकेड हो जाओ, तो आप बोलेंगे ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करेगा वैसा करने के लिए। मगर वो एक फिल्म एक्टर होगा तो वो सबके सामने शर्ट निकालता है, फेंकता है ऊपर, डांस करेगा, क्योंकि उसको चलता है सबकॉन्शियस माइंड ने पहले से ही पक्का किया हुआ है कि अपने को एक्टिंग करने की है। या आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो और मैंने आपको बताया कि नहीं आज नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करेंगे, आप स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं, तो आप वो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जाने देंगे नहीं वो चीज़, और आप कोई भी हालत में नॉनवेज खाएंगे नहीं, लॉजिक ही अलाउ नहीं करता। तो ये पहली मेथड लॉजिकल मेथड है। फिर बाद में है दूसरी, वो है रिपीटेशन मेथड, कि यदि बार 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 रिपीट करते हैं और रिपीट करते हैं तो उसका फायदा मिलेगा, वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। तो बार 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 रिपीट करना है तो कॉन्शियस माइंड फिर उसको अलाउ करेगा सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पत्थर है, उसके ऊपर आप पानी डाल रहे हैं, टपक 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 एक ही जगह पे समझो पानी के बूंद जा रहे हैं, तो पत्थर भी टूटेगा। तो वैसा है ये कि भाई बार 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 आप डालेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड टूटेगा एक समय, और वो फिर वो स्वीकार कर लेगा। तो ये दूसरा है। तीसरी एक जो मेथड है वो है इमोशनल फोर्स, कि बहुत बड़े इमोशन में है आप, भावनात्मक बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, बहुत डर है, बहुत दुख है, बहुत
खुशी है या जो भी कुछ ऐसा है, तो उसमें वो फटाक से अंदर चले जाएगा। समझो बच्चा स्कूल में है और 40 लोग 50 लोग स्कूल बच्चे हैं, एक बच्चे को खड़ा कर दिया, उसको पूछा, उसको नहीं आया, तो सबके सामने मास्टर ने उसको बोला कि भाई तुमको अकल नहीं है, मैथ्स इतना तुमको सिंपल आता नहीं है, तुम जिंदगी भर मैथ्स कर नहीं पाओगे। बस वो इतने लोगों के सामने घबराए हुए बच्चे को मास्टर ने ऑथोरिटी है ऐसा बोल दिया, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, बच्चे को जिंदगी भर मैथ्स जमता नहीं है। वो मैथ्स कितनी भी कोशिश करेगा सीखने की, सबकॉन्शियस माइंड उसको करने ही देता नहीं है, उसको ख्याल रहेगा नहीं, उसको समझ में आएगा नहीं, मैथ्स बोला कि इसका बैंड बच जाता है। तो ये तीसरी मेथड है। चौथी मेथड जो है वो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने की। पहली मेथड हमने बोला बाय लॉजिक, दूसरी बोला हमने बाय रिपीटेशन, तीसरी बोला इमोशनल फोर्स, चौथा है NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा, प्रोग्रामिंग मतलब एक पैटर्न तैयार करना। तो वहां से सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर नए पैटर्न्स तैयार करके फायदा होता है। चौथी मेथड है। पांचवा जो है वो हिप्नोटिज्म है, कि वो हिप्नोटिज्म के माध्यम से आप कॉन्शियस माइंड को सस्पेंड करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को सूचना देते हैं और आपको जो चाहिए वो बदल हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर प्रभाव डालने के लिए हिप्नोटिज्म कैसे काम करता है, हिप्नोथेरेपी क्या है, ये मेरे अनेक वीडियोस है, वो आप खोल के देख सकते हैं। आपको यदि कोई सवाल है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे प्रोग्राम्स हिप्नोटिज्म के होते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस के, हिप्नोटिज्म ट्रेनिंग के होते हैं, हिप्नोटिस्ट बनाने के होते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम में आप शामिल होकर आप अपना खुद का विकास और लोगों का विकास कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हर इंसान पावरफुल इंसान करके जिएगा। मेरा ऐप है वो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ भी आप चैटिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।